अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले हमने बात की थी कि डेटा की दो टाइप्स होते हैं, यानी डेटा कलेक्शन की दो टाइप्स हैं, दो तरीके हैं। एक है कंप्लीट इनुमरेशन यानी सेंसिस, और दूसरा है पार्शियल इनुमरेशन जिसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो उसके साथ ही हमने बात की थी कि डेटा की भी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी डेटा यानी रॉ डेटा जिस पर कोई स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं हुई होती है, और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो जिसको कम से कम एक मतलब ट्रीट कर दिया जाता है, मतलब किसी टेबुलेटेड फॉर्म में या किसी ग्राफिकल फॉर्म में ले आते हैं। तो दोस्तों हमने इसके बाद बात की थी कि प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की थी इंटरव्यू, इसमें जो रिसर्चर वो डायरेक्टली इंटरव्यू करते हैं। आउटसोर्सिंग में हमने बात की थी कि इसमें थर्ड पार्टी या अप्रेंटिसेस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी पर्सन होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते या वो हेजिटेट करते हैं। और थर्ड फॉर्म हमने जो बात की थी वो थी सर्वे यानी क्वेश्चनेयर की, जिसमें क्वेश्चन पेपर के थ्रू लोगों से डेटा दिया जाता है। और जो चौथा था वो है एनुमरेटर या हायरिंग ट्रेन स्टाफ, यानी वो स्टाफ यूज़ किया जाता है जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए हमें डेटा में कलेक्ट करके मुहैया करता है। तो उसके बाद तो हमने बात की थी लोकल सोर्सेज, मतलब किसी एरिया में हमने पता करना है तो हम उस एरिया के सोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, अपने सब ऑफिस को यूज़ कर लेते हैं। तो हमें वहाँ से एस्टिमेट वगैरह ही मिलता है, एक्यूरेट नहीं होते। तो अब हम थोड़ी बात करेंगे सेकेंडरी डेटा की कि वो कैसे कलेक्ट होता है। तो मैं इसी स्लाइड में आप लोगों को बता देता हूँ कि स्कैनिंग डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऑफिशियल, यानी बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, स्टेटिस्टिक्स की मिनिस्ट्री है, फाइनेंस हो गया, फेडरल और प्रोविंशियल स्टेटिस्टिक्स ब्यूरोज हैं, और फूड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लेबर और टेक्सटाइल वगैरह की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी इस ऑफिशियल कैटेगरी में आती हैं, जिनसे हम डेटा स्कैनिंग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वो हमें टेबुलेटेड फॉर्म वगैरह में मिल जाता है तो हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं। कभी कभार हमें प्राइमरी डेटा ज़रूरी नहीं होता, हम सेकेंडरी डेटा से भी काम चला देते हैं। तो उसके बाद जाते हैं सेमी ऑफिशियल डिपार्टमेंट, जैसे स्टेट बैंक, बाकी बैंक हो गए, और रेलवे बोर्ड हो गया, सेंट्रल कॉटन कमेटी हो गई, और बाकी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट की जो हमारी कमेटीज वगैरह हैं, इकोनॉमिक इंक्वायरी हो गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनसिपैलिटी, यूनियन काउंसिल वगैरह, ये यानी लोकल बॉडीज भी इसमें यूटिलाइज हम कर सकते हैं सेमी ऑफिशियल में। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी जो इस तरह की बिजनेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी की एसोसिएशंस और यूनियंस हैं, उनका कुछ डेटा हमें मिल सकता है, तो वो भी हमें सेकेंडरी फॉर्म में अमूमन मिलता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारे मैगजीन वगैरह, मतलब ट्रेड जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन जैसे बहुत सारे मशहूर हैं, फॉर्ब्स वगैरह, इनसे हमें डेटा काफ़ी सारा मिल जाता है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिसर्च कर रही हैं, और वो डेटा डेली बेसिस पर या अपने बाई वीकली या जिस तरीके से भी वो एक्सपोर्ट कर रही हैं वो देती हैं, और हम उनके थ्रू भी अपना स्कैनिंग डेटा ले लेते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं स्कैनिंग डेटा का टॉपिक ऑलमोस्ट कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट टाइप में हम बात करेंगे सैम्पलिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, उसमें हम पॉपुलेशन की बात करेंगे और पॉपुलेशन की कौन सी टाइप है। तो मेरे ख्याल से हमारा टॉपिक इसका ये वाला एंड होता है, अगला टॉपिक काफ़ी लंबा है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको फर्दर थोड़ा सा स्प्लिट कर लें या डिवाइड कर लें। तो मैं ज़्यादा चाहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।